हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ श्रीशाम स्कूल। आई एम योर साइंस टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर ऑफ क्लास सेवेंथ एंड द चैप्टर नेम इज हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट एंड टेम्परेचर में हमने अभी तक थर्मामीटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारे पास तीन टर्म्स थी, तीन टर्म्स में से कंडक्शन, कन्वेक्शन और थर्ड वन क्या था, रेडिएशन। तो इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना था, जिनमें से हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ लिया था कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जो भी प्रोसेस है सारा हम कंडक्शन वाला टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है, किन मटीरियल्स में होता है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, देखिए कन्वेक्शन का मतलब क्या है, हीट ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस। और जो कंडक्शन था वो क्या बता रहा था कि कैसे सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफर हो रहा है और ये लिक्विड और गैसेस के अंदर किस तरीके से हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये बताएगा कन्वेक्शन। इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, हीट ट्रांसफर कंडक्शन के केस में जो हो रहा था, यू ऑब्जर्व दैट देयर वॉज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सॉलिड था वो और सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स मूव नहीं करते, सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। तो वहाँ पे पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे थे, तो जो पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स थे या पार्टिकल्स थे, उनका एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा था। इन केस ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के केस में हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्डर रीजन्स। देखिए इसमें क्या होता है, कन्वेक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हॉट रीजन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो अपना ये वाला जगह छोड़ के दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दीज मोबाइल मॉलिक्यूल्स कैरी हीट एनर्जी विद देम। और सपोज़ कीजिए जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, या वो हीट ज़्यादा गर्म है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इसके साथ हम दूसरी बॉडी रखेंगे तो इसका जो मॉलिक्यूल है ना, वो उठ के यहाँ आ जाएगा गर्म से ठंडे की तरफ, तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। और ये जब ये मॉलिक्यूल जाएगा यहाँ पे, तो ये अपने साथ हीट को भी लेके चला जाएगा। तो हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज कैरिड फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस टू कोल्डर पार्ट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हॉट पार्टिकल्स इज एंड इट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होना, जब हीट क्या, जो मॉलिक्यूल्स हीट को, मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह हीट के साथ चले जाते हैं और हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो हीट ट्रांसफ़र होती है हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन से तक, जब मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, पूरे के पूरे अपना एक्चुअल प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। कन्वेक्शन रिक्वायर्स मोबाइल मॉलिक्यूल्स, जो कन्वेक्शन रिक्वायर्स मोबाइल का मतलब होता है जो हमेशा मूविंग हो, मोबाइल मतलब एक जगह टिके ना हो, हमेशा मूव करते रहें। तो कन्वेक्शन हमेशा मोबाइल मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन सॉलिड्स बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ हेल्ड स्ट्रॉन्गली ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और ये सिर्फ लिक्विड और गैसेस में ही हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लिक्विड और गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं और अपनी जगह पे मूव कर पाते हैं, लेकिन जो सॉलिड होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही पास होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स होता है बहुत स्ट्रांग होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। सो इट कैन टेक्स प्लेस ओनली इन लिक्विड्स एंड गैसेस एंड नॉट इन सॉलिड्स। तो सिर्फ लिक्विड और गैसेस में हो सकता है, सॉलिड में नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जो आपको बताएगा कि जो कन्वेक्शन है वो लिक्विड और गैसेस में होती है। तो देखिए यहाँ पे इस एक्टिविटी में क्या किया हुआ है, वाटर ट्रांसफ़र हीट बाय कन्वेक्शन, कैसे बताया हुआ है इसमें कि टू शो दैट वाटर ट्रांसफर्स हीट, कि पानी क्या करता है, हीट को ट्रांसफ़र करता है कन्वेक्शन के थ्रू। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या है प्रोसीजर में, एक कोनिकल फ्लास्क है, आयरन स्टैंड पे रखना है, उसमें आधा पानी भरना है ठंडा पानी, टू इट एड अ लार्ज क्रिस्टल ऑफ, उसमें फिर पोटेशियम परमैंगनेट, एक पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का ऐसा छोटा छोटा क्रिस्टल आता है, वो आप इसमें डालेंगे, फिर उसको बर्नर पे हीट करेंगे, तो क्या देखेंगे, देखिए व्हाट विल व्हेन द क्रिस्टल्स इज ड्रॉप्ड, जैसे हम क्रिस्टल को पानी में डालेंगे, ये क्रिस्टल है, इसको हमने पानी में डाला, तो क्या होगा, ये घुलना शुरू होगा और पानी का कलर पिंक होने लगेगा। एंड द वाटर नियर द क्रिस्टल इज हीटेड, इट बिकम्स लाइटर एंड राइजेस।
और जैसे देखिए जैसे हम क्रिस्टल को डालेंगे तो ये जाके यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा और पानी पिंक होने लगेगा। और क्योंकि यहाँ पे देखिए बर्नर की वजह से पानी, इसके आसपास का पानी क्या है, गर्म हो रहा है। जैसे ये पानी गर्म होगा तो इसके आसपास का जो पिंक पानी है वो क्या है, ऊपर आएगा। क्योंकि जब जब पानी गर्म हो जाता है तो क्या है, वो हल्का हो जाता है और वो ऊपर आने लगता है। तो ऊपर आएगा तो ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे जाएगा, साइड से नीचे होता जाएगा, और फिर उसका कलर भी पिंक होता जाएगा। तो इसमें आपको यही बता रखा है कि कैसे जो गर्म पानी है हल्का होने की वजह से ऊपर आता जाता है, और जो ऊपर का जो ठंडा पानी है वो भारी होने की वजह से नीचे आता है, और फिर वो पूरे में गर्म मतलब पूरा क्या होता है, पिंक कलर का हो जाता है। और नीचे आने की वजह से, नीचे हीट की वजह से वो सारा का सारा पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही ईजी है। उसके बाद एक और है, इसमें आपको बता रखा है टू शो दैट एयर ट्रांसफर्स हीट बाय कन्वेक्शन, कि एयर जो होती है वो भी क्या करती है, हीट को ट्रांसफर करती है कन्वेक्शन के थ्रू। इसमें देखिए क्या है, एक ऐसा बॉक्स लेना है आपको, यहाँ पे ग्लास फ्रंट होना चाहिए इसका ताकि आप इसके आर पार देख सको। एक पेपर पाइप बना के क्या करना है, यहाँ पे एक चिमनी की फॉर्म में ऐसे लगा देना है, ये गोल बना के। उसमें इसके अंदर एक लाइटेड कैंडल रखी है हमने, एक कैंडल जला के रख दी है। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन द बॉक्स बिलो द चिमनी, कीप योर हैंड अबव द चिमनी। अब यहाँ पे जब आप हैंड रखोगे तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है आपको यहाँ पे क्या फील होगा, गरम गरम फील होगा। नाउ होल्ड अ लाइटेड इंसेंस स्टिक नियर द विंडो। अब यहाँ पे क्या करना है, एक अगरबत्ती जलानी है, यहाँ पे क्या है, विंडो के पास अगरबत्ती जलानी है। तो देखिए अगरबत्ती जलाएंगे तो क्या फील होगा हमें, यू विल नोटिस दैट स्मोक ऑफ द इंसेंस स्टिक एंटर्स द बॉक्स थ्रू द विंडो। तो क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ जो ये जो स्मोक है ना, ये इसकी जो धुआं निकल रहा है, ये क्या है, इसमें जाएगा और इससे क्या है, यहाँ से वो ऊपर आएगा। ये यहाँ से धुआं जा रहा है और धुआं क्या हो रहा है, यहाँ से वापस आ रहा है। देखिए हो क्या रहा है, जब यहाँ से जा रहा है ये इसकी वजह से गर्म हो रहा है, गर्म होने की वजह से हल्का हो रहा है, और हल्का होके ऊपर जा रहा है। जब भी कोई चीज़ गर्म होती है, जैसे लिक्विड और गैस अगर वो गर्म हो रहे हैं तो गर्म होने के बाद क्या होगा, वो ऊपर जाएंगे। हाँ जी, जो गर्म चीज़ें हैं वो ऊपर चली जाती हैं और हैवी चीज़ें नीचे आ जाती हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, जो अगरबत्ती का धुआं है वो उस चिमनी के थ्रू बाहर आ रहा है। देन इट गेट्स हीटेड, देखिए जैसे मैंने बताया वो गर्म हो जाएगा मोमबत्ती की वजह से और फिर चिमनी से बाहर आ जाएगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एयर इनसाइड बॉक्स गेट, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर जो भी एयर होती है वो गर्म हो जाती है और फिर वो हल्की हो जाती है, और हल्की होने के बाद वो ऊपर उठने लगती है। इस एयर को हटाने के लिए स्मोक फ्रॉम द इंसेंस स्टिक इज सक्ड इनटू द बॉक्स। इस एयर को हटाने के लिए जो स्मोक है, इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती से जो धुआं है वो क्या है, बॉक्स के अंदर आ रहा है। यू विल सी दैट स्मोक मूव टूवर्ड्स द कैंडल फ्लेम, इट हीटेड एंड राइजेस। उसी तरीके से वो क्या हो रहा है, कैंडल फ्लेम की वजह से हीट हो रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। फाइनली इट लीव्स द बॉक्स थ्रू द चिमनी, और फिर उस चिमनी के थ्रू वो धुआं भी है वो बाहर आ रहा है। तो इस तरीके की ये एक्टिविटीज थी। देखिए नेक्स्ट जो है, अगर आपको सिंपल खुद से भी देख सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए सर्दियों में हम रॉड से पानी गर्म करते हैं, रॉड से जब हम पानी गर्म करते हैं तो जैसे सपोज कीजिए 2 मिनट बाद आपने क्या किया, पानी रॉड बंद कर दी। तो अब जब आप पानी में हाथ डालोगे रॉड निकालने के बाद, रॉड उसके अंदर है तब नहीं डालना है, रॉड निकालने के बाद जब आप पानी में हाथ डालोगे तो आपको क्या फील होगा, ऊपर का पानी तो गर्म है लेकिन नीचे का पानी क्या है, अभी भी ठंडा है। वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि रॉड की वजह से जहाँ पे रॉड का जो कॉइल गोल गोल होता है ऐसे इस तरीके से जो सर्कल होता है, यहाँ ये क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करता है और इसके आसपास का पानी गर्म होता है। तो जैसे ही इसके आसपास का पानी गर्म होता है वो पानी ऊपर आ जाता है, गर्म पानी हीट होके ऊपर आ जाता है, ठंडा पानी नीचे चला जाता है। तो अगर हम उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे रॉड को ऑन करके, तब तक वो सारा पानी गर्म ना करते, तब अगर ऐसा नहीं करेंगे हम तो क्या होगा, ऊपर का पानी गर्म रहेगा और नीचे का पानी ठंडा ही रह जाएगा। तो वो भी क्या है, कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए अब क्या है, यूजेस, कन्वेक्शन करंट्स के यूजेस क्या होते हैं, जैसे हमने उसके यूज पढ़े थे ऐसे ही इसके यूजेस भी हैं। वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैन आर प्लेस्ड यूजली नियर द सीलिंग ऑफ अ रूम बिकॉज द एयर वी ब्रीथ आउट इज वार्मर एंड लाइटर। देखिए वेंटिलेटर्स होते हैं और जो एग्जॉस्ट होते हैं, घरों में एग्जॉस्ट, किचन में एग्जॉस्ट लगे होते हैं। देखिए वो क्यों लगा होता है, क्योंकि क्यों लगा होता है और कहाँ लगा होता है, वो फैंस कहाँ लगे होते हैं, सीलिंग के पास, छत के पास लगे होते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी हम जो गैस जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, जैसे सांस लेके जो हम सांस छोड़ते हैं, वो हवा क्या होती है, गर्म होती है और वो हल्की होती है। तो हल्की होती है तो वो ऊपर जाएगी और ऊपर एग्जॉस्ट के थ्रू क्या हो जाएगी, वो बाहर चली जाएगी। सो इट्स गोज आउट थ्रू द वेंटिलेटर्स, या वेंटिलेटर्स के थ्रू बाहर चली जाएगी।
दिस कॉज अ ड्रॉप इन द प्रेशर इन द रूम, इसकी वजह से जो रूम का प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम रहेगा, इसलिए ताकि वो अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश एयर आ सके उस विंडोज़ या डोर्स के थ्रू। विंडोज़ या डोर्स इसलिए ही रखे जाते हैं ताकि जो हम सांस ले रहे हैं वो हमारे क्या है, मतलब वो एयर ठंडी गर्म होती है तो वो हमारे सीलिंग वेंटिलेटर्स के थ्रू, खिड़कियों के थ्रू बाहर चली जाए और बाहर से फ्रेश एयर अंदर आती रहे। स्मोक एंड गैसेस बीइंग हॉट, स्मोक और गैसेस, जो धुआं होता है और जो गैसेस होती हैं वो भी गर्म होने की वजह से ऊपर हो जाती हैं, एस्केप थ्रू चिमनीज, और चिमनीज के थ्रू या भट्टियों के थ्रू, इंडस्ट्रियल फर्नेसेस की भट्टियों के थ्रू, भट्टियों से जो चिमनी लगी हुई थी उसके थ्रू बाहर आ जाती हैं। हीटर्स एंड ब्लोअर्स हीट द रूम बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट्स, आपने सर्दियों में हीटर्स देखे होंगे, ब्लोअर्स देखे होंगे, उसकी वजह से क्या होता है, वो भी क्या तो गर्म हवा फेंकते हैं, उससे क्या होता है पूरा रूम जो है गर्म हो जाता है। फायरमैन यूजली क्रॉल वाइल एंटरिंग अ बिल्डिंग वेयर फायर हैज़ ब्रोकन आउट बिकॉज द हॉट एयर एंड स्मोक राइज अपवर्ड्स। जो फायरमैन होते हैं, जो बिजली आग बुझाने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, जब भी वो किसी बिल्डिंग में आग लगी थी उसमें घुसते हैं तो क्या होता है, नीचे नीचे क्रॉल करते हैं अपने आप को, जैसे बच्चे क्रॉल नहीं करते हैं, गुड़लिया चलते हैं, तो उस तरीके से वो भी क्रॉल करते हैं, क्योंकि जो ऊपर की तरफ क्या होता है गर्म गैस है, गर्म गैस जो होती है वो ऊपर आ जाती है हीट होने के बाद, तो इस नीचे जो होती है वो ठंडी होती है, तो इस वजह से उनको ज़्यादा हर्ट ना हो इसलिए। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, ये इसी का एक एप्लीकेशन है, एक फ़ायदा है, एक इसकी प्रॉपर्टी है। देखिए क्या होते हैं सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, देखिए इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज में द ब्रीज जनरली ब्लोज फ्रॉम सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे। देखिए कोस्टल एरियाज में क्या होता है, जो हवा होती है, ब्रीज मतलब हवा, कहाँ ब्लो करती है, सी की तरफ से, सी से लैंड की तरफ, सी से लैंड की तरफ फ्लो करती है डे के टाइम, इसको सी ब्रीज बोलते हैं। देखिए सी ब्रीज क्या होता है, द सी जनरली दिस, ये हमारा सी ब्रीज हो गया। कोस्टल एरियाज में क्या होता है, दिन के टाइम जो ब्रीज है, जो हवा है, सी से लैंड की तरफ बहती है, और नाइट के टाइम क्या होता है, लैंड से सी की तरफ बहती है, इसको नाइट के टाइम क्या होता है, जो हवा होती है वो लैंड से सी की तरफ बहती है, इसको लैंड ब्रीज बोलते हैं। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट, ये भी कन्वेक्शन करंट्स होता है। कैसे होता है ये देखिए, एज यू आर अवेयर वाटर बीइंग इज अ बैड कंडक्टर एंड टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू हीट अप देन द लैंड एंड ऑल्सो टेक अ लॉन्गर टाइम टू कूल डाउन। जैसे कि हमें पता है जो वाटर है बैड कंडक्टर है, आपने देखा होगा जो पानी अगर हम बाहर रख दें धूप में तो वो जल्दी गर्म नहीं होता है, पानी को अगर हम धूप में रख देंगे तो जल्दी गर्म नहीं होगा, तो जो वाटर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, अपने अंदर से पानी को बहुत ही मतलब धीरे धीरे पास होने देता है, और एंड लैंड ऑल्सो टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कूल डाउन, और जो धरती होती है उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए अपने आप को ठंडा करने के लिए। तो डे टाइम में क्या होता है, लैंड हीट अप फास्टर देन वाटर, जैसे सूरज की धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, उसकी वजह से धरती क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, लेकिन पानी जो होता है, सी का जो वाटर होता है वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है। तो द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड अप एंड राइजेस। अब देखिए जैसे सपोज कीजिए ये लैंड है, तो लैंड के ऊपर लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, तो इससे ये क्या करेगी, गर्म हवा ऊपर फेंकेगी, तो यहाँ इस लैंड के ऊपर जो हवा होगी वो क्या होगी, हॉट होगी, गर्म होगी। द कोल्ड एयर फ्रॉम सी रशेज टू टेक्स प्लेस, तो और ये हमारा सी है, सपोज कीजिए यहाँ पे सी है, सी का जो पानी है वो इतना गर्म नहीं है इसके, तो यहाँ से जो ठंडी हवा होगी ये इस तरफ बहेगी, इसको हम बोलते हैं, सी से क्या हो रहा है लैंड की तरफ बह रहा है, तो इसको बोलते हैं सी ब्रीज। ऐसे ही नाइट टाइम में क्या होगा, जो लैंड लूजेज मोर हीट रैपिडली देन वाटर। अब जैसे ही रात होगी तो रात में क्या होगा, जो धरती है जल्दी ठंडी होगी और धरती के ऊपर की जो हवा होगी वो ठंडी होगी एज कम्पेयर टू वाटर, तो वहाँ पे क्या होगा, धरती से लैंड से सी की तरफ हवा बहेगी, उसको हम सी ब्रीज बोलते हैं। तो ये था आपका लैंड और सी ब्रीज। नेक्स्ट है, द मॉनसून इज ऑल्सो कन्वेक्शन करंट सेटअप ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। जो मॉनसून होता है, जो बारिश होती है, वो भी क्या है, कन्वेक्शन करंट ही होता है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से बिटवीन द सी एंड द लैंड। किसके बीच में, लैंड और सी के बीच में। हॉट एयर इन समर राइजेज अप फ्रॉम द लैंड एंड मॉइस्चर कंटेनिंग कूल एयर ब्लोज फ्रॉम द सी देयर बाय ब्रिंगिंग रेनफॉल ऑन द लैंड। देखिए होता क्या है, गर्म हवा समर में, जो गर्मियों में क्या होती है, गर्म हवा होती है बिल्कुल ऊपर उठती है
और जो एंड द लैंड मॉइस्चर कंटेनिंग कूल एयर ब्लोज फ्रॉम द सी, और लैंड से क्या होता है जो ठंडी हवा होती है वो सी की तरफ मतलब सी से लैंड की तरफ बहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है रेनफॉल धरती पे होता है। तो स्टूडेंट्स ये देखा आपने, ये हमारे पास इतने सारे क्या थे, ये सारे एप्लीकेशंस हैं कि फ़ायदे हैं कन्वेक्शन के। तो कन्वेक्शन आपने पढ़ लिया है, एक और रहता है हमारा, देखिए देख लेते हैं हम। बर्ड्स यूज कन्वेक्शन करंट्स ऑफ एयर टू राइज हाई एंड गो एफर्टलेसली विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। देखिए बर्ड्स कन्वेक्शन करंट का यूज़ करती हैं ताकि वो ऊंचे से ऊंचे उड़ान भर सके। आपने देखा होगा जो बर्ड्स ऊपर उड़ती रहती हैं वो अपने विंग्स को बहुत ही कम फ्लैप करती है, बहुत ही कम हिलाती हैं, वो क्यों, वो इस कन्वेक्शन की वजह से ही, कन्वेक्शन करंट की वजह से ही वो मतलब ज़्यादा उनको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता ऊंचा ऊंचा उड़ने के लिए। तो ये था आपका कन्वेक्शन। जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है रेडिएशन। रेडिएशन पढ़ेंगे और फिर हम इनमें डिफरेंस देखेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका ये चैप्टर खत्म कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।